सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा लो कंपटीशन बिजनेस कि अगर आप इस फील्ड में आते हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो अपने होम बेस्ड बिजनेस भी कर सकते हो, पार्ट टाइम में भी और फुल टाइम में भी। अर्निंग आपकी काफी अच्छी होगी। तो गाइस, चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल महेंद्र एडवाइस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और वीडियोज लेकर आ सकूं सबसे पहले और आप उसको देख सके सबसे पहले। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सुनाओ रेडियो, जहां पर मिलता है आपको अलग अलग कलेक्शन अलग अलग रेडियो स्टेशन का, जिसको आप सुन सकते हो अपने फ़ोन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको मिलता है रेडियो सिटी और 98.3 मिर्ची हंगामा 90s, और गाइस जितने भी AIR स्टेशन है सबको आपको एक्सेस मिलता है बिल्कुल फ्री में, आप सुन सकते हो इसको। और गाइस, सबसे बड़ी बात इस ऐप की ये है कि इसको यहाँ पर आपको रेडियो सुनने के लिए ना तो आपको लीड लगाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ। आप बिल्कुल अपने फ़ोन में इस ऐप को ओपन करो और जो भी आपको सुनना है, जैसे मुझे विविध भारती सुनना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप इसको सुन सकते हो। गाइस, बस इसको यूज करने के लिए आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आज के टाइम में सबके पास होता है। कोई मैटर नहीं करता आपके पास इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। इसका लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाला लिंक चेक करो और उसको डाउनलोड करो और उसको यूज करो और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके मनपसंद गाने हैं आप उसको सुनो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली जो सेलो टेप देख रहे हो ये बनाने का बिजनेस। आपको नहीं पता अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो आपको कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि यार इसमें कंपटीशन कम है और साथ में इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है। तो मेरे पास देख सकते हो अलग अलग डिजाइन के अलग अलग शेप के सेलो टेप रखे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके कितना अर्निंग कर सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, मशीनरी वर्क कैसे करती है और सारी डिटेल। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गाइस, सबसे पहली चीज कि आपको ये सेलो टेप जो है इसको बनाने के लिए जो मशीन की जरूरत पड़ती है वो बेसिकली कुछ इस तरह की है। देख सकते हो यहाँ पर दो मशीन है, पहला है ये रोलर मशीन, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और दूसरी मशीन जो है ये है कटर मशीन। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है इस मशीनरी में। सभी आप सेलो टेप देख रहे हो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देख रहे हो ये वाला जो है ये पेपर का रोल जो है, सबसे पहले जो अंदर एक बहुत मोटा पेपर लगा हुआ है इसको यहाँ पर लगाया जाता है और सामने जो इसके ऊपर टेप चढ़ी हुई रहती है उसका रोल आता है और उसको इस पे जो है मशीनरी रंग घूमती है और इस पे जो है चढ़ जाता है। उसके बाद चढ़ने के बाद जो है कुछ इस तरह से बड़े बड़े शेप में आ जाती है, साइज में आ जाती है, जिसको क्या करा जाता है इस साइड। ये तो रोलर पार्ट था, उसके बाद ये कटर पार्ट है। जब ये बड़ी साइज की रहती है, बड़ी बड़ी रहती है इस टाइप की कुछ, तो इसको क्या करा जाता है, इसको जो है इधर लगाया जाता है अंदर, और ये लगाने के बाद बेसिकली ये जो पैडल दिख रहा है इस पैडल से जो ये कटर है ये ब्लेड लगे हुए, इस ब्लेड को नजदीक लाया जाता है और ये घूमती रहती है, मोटर से घूमती है तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूं वीडियो में। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है और इसके बाद जो है आपका टेप सेलो टेप कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद बस आपको इसको पैक करना है और मार्केट में सेल करना है। तो गाइस, अब हम बात कर रहे थे मशीनरी के बारे में कि मशीनरी का कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट कितना कैसे हुआ। इस वीडियो में हमारे साथ सर है, सर हमें बताएंगे बेसिकली इसके बारे में, टेप के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो ये रॉ मटेरियल वगैरह इसके होते हैं वो कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। रॉ मटेरियल आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, बाकी डायरेक्ट हम आपको दिलवा भी देते हैं, उसका कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, मतलब रॉ मटेरियल आप भी प्रोवाइड करा दोगे और जो है बाकी मार्केट से भी ले सकते हैं। और सर, दूसरी चीज की ये जो आप साइज का देख रहे हो, मैंने देखा है अलग अलग साइज के आते हैं, कुछ बड़ी साइज के आती है जिसमें कम छोटे हॉल होते हैं, कुछ छोटी साइज का क्या होता है, कटर से आप इसको कट कर सकते हो। ये जो कटर मशीन है इसमें आपको बड़े बड़े साइज, अगर इतने बड़े बड़े साइज है तो हम उनको छोटे छोटे साइजों में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मतलब ये जो कटर मशीन है, इस कटर मशीन के यूज से आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितना साइज का देना चाहते हो, आप दे सकते हो 1 इंच 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच 4 इंच तक का बना सकते हैं आप इसमें। और सर, दूसरी बात वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने छोटे वाले टेप जो होते हैं वो भी इसी बन सकते हैं। हाँ, छोटे भी इसी से आप बना सकते हैं, उसमें आपको बस मटेरियल का जितना आपको जो वर्किंग में लगना है उसी के अकॉर्डिंग लगाना, छोटे जो आपके टेप है वो भी तैयार हो जाएंगे। बाकी आपने देखा हम वायर वगैरह को, कार्टून वगैरह को जो हम उसमें रैपिंग करने के लिए लेते हैं तो हम नॉर्मली इसी टेप का यूज करते हैं। मतलब कहने का कि मशीनरी से हम सारी तरह की जो भी जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम टेप बना सकते हैं। अच्छा, और सर एक चीज और बताइए कि जो इसका मार्केट में सेलिंग प्राइस होता है उसमें और बनाने कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन कितने का हो जाता है। अगर हम स्टेप को बनाते हैं तो स्टेप अगर आपका ये जो पर कॉस्टिंग अगर हम होलसेलर को भी देते हैं तो एक स्टेप पे हम 2 से 4 रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छा, 2 से 4 रुपए का इजीली जो है प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, प्रॉफिट हो जाता है। बाकी हमारे क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम छोटे बड़े अगर इस साइज के बनाते हैं तो अगर हम इसका पूरा पैकेट देते हैं तो इसमें हम आपका 150 रुपए का मुनाफा कर सकते हैं,
100 रुपए से 120-130 वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा मतलब पूरे पैकेट पे 100-120-150 रुपए का प्रॉफिट जो है होलसेल में अगर हम बेचते हैं तो हमको मिलेगा। अच्छा और सर दूसरी बात आप ये बताओ कि बेसिकली जो ये मशीनरी है हमारे सामने, ये दो पार्ट में मशीनरी है, दोनों को मिला के मतलब कि कितने वर्कर को रखने की जरूरत पड़ेगी अगर कोई मशीनरी से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे? आप इसमें एक वर्कर एक हेल्पर रख सकते हैं, बस आपका बस वर्कर ही का मेन काम है, हेल्पर तो बस उसकी मदद करेगा। मदद करेगा मतलब दो से काम चल जाएगा। और शुरू में अगर आप शुरू में कोई ऐसा इशू नहीं है, शुरू में तो प्रोडक्शन भी कम होता है, रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो एक बंदा ही आपका एक बंदा भी इनफ है। अच्छा और सर ये जो मशीनरी है इसमें बिजली की जो जरूरत पड़ती है वो क्या होम बेस बिजली चल जाएगी या फिर उसको? इसमें जो बिजली की जरूरत पड़ती है सिंगल सेल्फ ऑपरेटेड मशीन है, आप उसमें आप घरेलू लाइट से इसको चला सकते हो। इनिशियल लेवल पे क्या अगर कोई स्टार्ट करेगा इससे अपना बिजनेस तो उसको लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी या फिर बिजनेस है इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होती तो आप आवश्यकता के अनुसार करा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार करा सकते हैं ठीक सर। एक और बात की यहाँ पर जो हम साइज की बात अगर करें तो अलग अलग साइज का अलग अलग टेप बनता है, तो इसके भी कुछ अलग अलग डाई आता है या फिर एक ही डाई से सारा काम? डाई का क्या रोल, आवश्यकता के अनुसार मैं चेंज कर लेता हूँ, बाकी रॉ मटेरियल अगर मेरा छोटा बनाना तो छोटा लगा दिया, बड़ा बनाना तो बड़ा लगा दिया। तो और गाइस अगर हम बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी की इस मशीन की, तो इस मशीन से अगर आप 2-4 इंच का टेप बनाते हो तो आपका एक घंटे में 1100 से लेकर 1200 पीसेस का प्रोडक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात यार प्रोडक्शन डिपेंड करती है आपकी जो इम्प्लॉयज है, लेबर जो आपने रखे वो कैसे काम करता है उसके ऊपर, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होगा लेकिन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो गाइस ये वो मशीन है जिससे आप अपना बिजनेस होम बेस्ड बिजनेस छोटे लेवल पे या फिर बड़े लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो कम इन्वेस्टमेंट में। और गाइस अगर हम बात करें इस मशीनरी के प्राइस की तो ये आपको 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में मिल जाती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी पे और बाकी चीजों पे। तो आपके पास एक अच्छा मौका है अगर आप स्टार्ट करना चाहो सेलो टेप मेकिंग बिजनेस, तो इस मशीनरी को यूज करके आप कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको मशीनरी बाय करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वो वीडियो लेकर आ सकूं और आप उसको देख सके सबसे पहले।